सो ए लो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यार एसके गेमिंग। सो कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ ठीक ही होगे। सो देखो, आज की इस वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सबको पता है यार कि हमारे फ्री फायर में अभी नया CS टूर्नामेंट आया है, एंड अभी आगे और भी बहुत सारे CS टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। सो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो इमोट को परमानेंट ले सकते हो, एंड आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार कि आप सबको ये CS टूर्नामेंट के बारे में मतलब क्या लगता है, CS टूर्नामेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए फ्री फायर में, क्योंकि आप सबको पता है यार कि रैंक मैचेस बहुत ज़्यादा लैग करते हैं 1 GB से 3 GB रैम के फ़ोन्स में। सो आपका ओपिनियन एक बार बताओ यार CS टूर्नामेंट के ऊपर कमेंट सेक्शन में, हम लोग वो कमेंट्स को पढ़ना चाहेंगे। एंड आप लोग ये भी बताना कि क्या आप लोगों ने वो टूर्नामेंट को जीता या फिर कितने राउंड से हारा या फिर कितने मैचेस से हारा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, हम लोग वो कमेंट्स को पढ़ेंगे एंड हार्ट भी देंगे यार। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो सो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है हमारे चैनल पे। सो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, एंड हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो भी चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप सबको पता होगा कि जब हमारे फ्री फायर में वी पैच को इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे रैंडम बंदों के पास वी बैच पहुंच गया था यार। मतलब वी बैच बेसिकली होता है हमारे यूट्यूबर्स के लिए, मतलब जो भी पार्टनर प्रोग्राम में है उनके लिए, या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए यार, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भी वी बैच होता है। सो देखो, जब वी बैच इंट्रोड्यूस किया गया था नया नया फ्री फायर में, वो मतलब रैंडम बंदों के पास पहुँच गया था यार, जिनका लेवल मतलब 70, 75, 80 के आसपास था, एंड जिनका लेवल 80 के आसपास था उनको भी मिल गया था यार ये वी बैच। आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख सकते हो जो कि ये हमारी, हम लोग ने तभी वीडियो बना के भी डाला था यार कि ये एक ग्लिच है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि ये इमोट से और वी बैच से क्या संबंध है। सो देखो, मैंने वी बैच का सिर्फ एक एग्जांपल लेके बताया था। सो आप सबको पता है कि ये जो इमोट है हमारे CS टूर्नामेंट में, ये बहुत सारे बंदे जीतने वाले हैं यार अभी। सो ये बहुत सारे बंदे जीतने वाले हैं, एंड आप सबको पता है यार कि फ्री फायर ग्लिच में बहुत ज़्यादा माहिर है, मतलब वी बैच को ही बहुत सारे बंदों तक दे दिया था। सो अगर देखो ये ग्लिच होगा तो बहुत सारे बंदों के पास, जिन जिन ने भी ये टूर्नामेंट खेला है उनके पास ये इमोट पहुंच जाएगा यार। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि ग्लिच नहीं हुआ तो क्या। सो देखो, आप सबको पता है कि वो इमोट सिर्फ हमको 30 डेज के लिए ही मिल रहा है, एंड वो इमोट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। सो देखो, आगे आने वाले टाइम में फ्री फायर उसे कोई ना कोई एक इवेंट में दे देगा यार। सो उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इमोट अच्छा है यार देखने में। सो वो ज़रूर आएगा आगे आने वाले टाइम में, या फिर स्टोर में ही दे सकते हैं यार थोड़ा डायमंड्स का प्राइस बढ़ा के। सो जिन जिन के पास डायमंड्स है वो लोग खरीद सकते हैं यार ये इमोट को, अगर आपको ये इमोट परमानेंट चाहिए तो। सो गाइस, चलो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड में आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा एंड पता भी चल गया होगा ये इमोट के बारे में। सो अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो सो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, एंड हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यार कि क्या आप लोगों ने CS टूर्नामेंट को जीता है, एंड आपको ये इमोट मिलने वाला है क्या 30 डेज के लिए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड कोई भी टेंशन मत लेना यार, आगे आने वाले टाइम में CS टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, एंड अभी भी एक प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है लगता है यार CS टूर्नामेंट का। सो आप लोग अपनी स्क्वाड के साथ जाके खेल सकते हो CS टूर्नामेंट को। सो बस चलो यार, दे सतीश एंड साइनिंग ऑफ एस के वर्सेस एस के गेमिंग।